एक सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर क्या टू और बाई करके आता है जब टैली में तो वो सिंगल एंट्री मोड मोड होता है क्या? तो देखिए टू ऑब्लिक बाई करके जो आता है, टू और बाई करके लिख के आता है जब भी आप एंट्री पास करते हैं, तो लाइक ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये आ रहा है ना, तो अगर आप टू में इसको डाल देंगे और फिर जैसे लाइक इस तरीके से ठीक है ये डाल दिया, नीचे बाई आ रहा है, तो ये टू और बाई जब लिख करके आता है तो क्या ये सिंगल एंट्री मोड होती है या नहीं होती, और इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे, एक्टिवेट करने का क्या तरीका होगा? तो चलिए आइए इसी को जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें बाउचर में चलना है और यहां से F12 बटन प्रेस करना है। देखिए F12 बटन प्रेस कर लिया हमने तो यहां पर दिखेगा आपको यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू ऑब्लिक बाई ड्यूरिंग बाउचर एंट्री, तो इसको पहले आप ऑफ कर दीजिएगा, ये ऑफ नहीं करेंगे तो ये शो नहीं होगा। ठीक है तो यहां से मैंने ऑफ कर दिया, इसको नो रखा है, देख लीजिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, ये नो रखा है मैंने। ठीक है एन प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये नो हो जाएगा और फिर कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिएगा ये एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको आ जाना है डबल एंट्री मोड में। ये सिंगल एंट्री मोड नहीं होता, ये डबल एंट्री मोड होता है, याद रखिएगा। टू और बाई जब आता है तो ये होता है डबल एंट्री मोड। क्या होता है? डबल एंट्री मोड, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है यहां पर मान लीजिए ये डेट है और अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए कैपिटल अकाउंट आ रहा है तो आप सिंपली यहां कैपिटल कर दीजिए। मान लीजिए कंपनी में 7000 रुपया रिसीव हो रहा है तो ये 7000 रुपया रिसीव करा दिया, ठीक है कैश के रूप में। ओके किसके द्वारा हो रहा है और किसको हो रहा है, टू का मतलब को और बाई का मतलब द्वारा, बात समझिएगा। और इस तरह से आप टू और बाई के भी फॉर्म में रिसीव वाउचर में एंट्री पास कर सकते हैं या कहीं भी एंट्री पास कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी ये भी।